प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के पहले कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने भाजपा सरकार के मंत्री तुलसीराम सिलावट पर शमशान घाट की भूमि में हेराफेरी करने का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने कहा है कि सुनियोजित षड्यंत्र रचकर मंत्री तुलसीराम सिलावट ने 2 माह पूर्व निपानिया नगर पंचायत द्वारा शासकीय खर्च से बनाए शमशान स्थल का तोड़कर एवं चिता स्थल का प्लेटफॉर्म तोड़कर गायब करा दिया। यह शमशान स्थल पिपलिया कुमार गांव के पीछे नाले के पास नरीमन पॉइंट बालाजी हाइट्स और आदि मल्टी स्टोरेज के पीछे नाली से लगी जमीन पर 2004 में नगर पंचायत निपानिया ने शासकीय खर्चे से रोड बाउंड्री वॉल शब्दाह स्थल एवं शेड का निर्माण कराया था। अभी 2 माह पूर्व यह सारा निर्माण गायब करा दिया गया। इसके पश्चात नाले से लगी लगभग 4 एकड़ शासकीय जमीन एवं शमशान की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके रातों रात शमशान में एक अस्थायी मकान चद्दर की छत का बनाकर सारा निर्माण तोड़कर नाले में फेंक कर गायब कर दिया। वर्तमान में कब्जा की गई शासकीय भूमि का बाजार मूल्य लगभग 10 करोड़ है। इसके पश्चात पुराने दस्तावेजों का हवाला देकर रातों रात भवन प्रोमिनेंट स्कूल के मध्य वाले गेट के सामने मेन रोड के चौड़ीकरण में जाने वाली भूमि पर एक अस्थायी शेड बनाकर खुले में चिता स्थल बना दिया गया। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मंत्री ने पूरा का पूरा शमशान ही गायब कर दिया है और शमशान गायब करने के बाद उसका शेड तोड़ के फेंक दिया गया, वहाँ का चिता स्थल था उसको तोड़ दिया गया और नाले में उसको पूरा सामान गायब करके उस पूरी जमीन पे 2 एकड़ जमीन पे कब्जा कर लिया गया और लगभग उस जमीन की कीमत आज की तारीख में मार्केट वैल्यू 10 करोड़ से ज़्यादा है। ये पिपलिया कुमार के पास का मामला है। पिपलिया कुमार और निपानिया पंचायत लगती है। निपानिया पंचायत ने अपने खर्चे से पिपलिया कुमार में ये शमशान का निर्माण 2004 में कराया था। उसके बाद उसकी बाउंड्री वॉल भी बनाई थी। अभी आज से 1.5 से 2 महीने पहले इन सारे चीज़ों को उखाड़ के फेंका गया, ज़मीन पे कब्जा किया गया और उसके साथ एक नया कारनामा करा कि एक नए शमशान का बोर्ड भोंस स्कूल के सामने गेट के सामने सेकंड नंबर गेट के सामने सड़क की ज़मीन पे ये लगा दिया गया कि नया शमशान यहाँ बनेगा। 2 टीन शेड लगाया और एक चिता स्थल बना दिया गया। लोगों को इस माध्यम से ब्लैकमेल किया जा रहा है कि यहाँ शमशान बनने वाला है, आप मकान चाहो तो बेच दो या आप चाहो तो यहाँ से शिफ्ट हो सकते हो। और कई बिल्डरों से लाखों रुपए मांगे जा रहे हैं, भवन स्कूल वाले से पैसे मांगे जा रहे हैं कि आपके गेट के सामने से शमशान हटाना है तो इतने पैसे दीजिए। कांग्रेस यहाँ स्पष्ट करना चाहती है कि सड़क की ज़मीन पर शमशान नहीं बन सकता है किसी भी सूरत में। मास्टर प्लान की रोड है, उस रोड पर शमशान नहीं बनता है। 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन पर शमशान नहीं बनता है। सिर्फ 20,000 स्क्वायर फीट वो ज़मीन है। उस झूठ बोल के लोगों से चंदा और पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। इससे ये स्पष्ट होता है कि मंत्री का क्या इंटेंशन है। एक तरफ तो 10 करोड़ की ज़मीन पर कब्जा करा है, दूसरी तरफ शमशान का डर दिखा के लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस सारे मामले को कांग्रेस जनता की अदालत में ले जाएगी। एक एक मतदाता को ये बताया जाएगा कि जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति हो किस तरीके से इस क्षेत्र की जनता को लूट रहा है। नेपानिया और पिपलिया कुमार के गांव के लोगों का भी अपमान है क्योंकि उनके लिए ये बोला गया है कि यहाँ हम शमशान बनाएंगे, जो सर्वथा झूठ है। किसी भी सूरत में सड़क की ज़मीन पर शमशान नहीं बनता है। अगर शमशान बनाना है तो जिस ज़मीन पर इन लोगों ने कब्जा करा है उस पर बनाएँ और वहाँ उसका शुभारंभ करें। क्षेत्रीय पार्षद और विधायक ने भी महेंद्र हार्डिया जो बीजेपी के विधायक हैं, सिटिंग MLA हैं 5 नंबर के, उनने इस बात का विरोध करा, उनकी बात को दरकिनार कर दिया गया है। क्षेत्रीय पार्षद जो संजय कटारिया बीजेपी के पूर्व रहे हैं, उनने इस बात का विरोध करा है कि ये संभव नहीं है और ये गलत हो रहा है, उनको भी दरकिनार कर दिया गया। अब ये भारतीय जनता पार्टी सिंधिया की जनता पार्टी है, गद्दारों की जनता पार्टी है। ईमानदार जो विधायक हैं, ईमानदार जो बीजेपी के नेता हैं, उनकी कोई वैल्यू कोई कीमत नहीं है, उनकी बात का कोई महत्व नहीं है। 25 बार महेंद्र हार्डिया बोल चुके हैं प्रशासन को और नगर निगम को कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी टेंडर लगाया गया और कल वो टेंडर डलने वाला है। इसमें नगर निगम इन्वॉल्व है टेंडर में, 100% नगर निगम तो साथ दे रही है ऐसे कब्जाधारियों का कब्जा करने में। नगर निगम उसमें पार्टी बनी हुई है, कैसे बिना अनुमति के, बिना टाउन प्लानिंग की अनुमति के सड़क की जमीन पे बोर्ड लगा के शमशान बनाया गया। कल टेंडर होने वाले, आप क्या स्टैंड लेंगे कांग्रेस पार्टी का स्टैंड? कांग्रेस सब जगह जो शिकायत करना वो तो कर ही रही है, कई रहवासी कोर्ट में भी जा रहे हैं और हम इसको जनता की अदालत में ले जाएंगे क्योंकि चुनाव का समय है, किसी का भी चाल चरित्र और चेहरा बताना बहुत आवश्यक होता है। जनता समझेगी तो ऐसे लोगों को घर बिठा देगी।